तो बिना एटीएम कार्ड के योनो ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक पर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी ली होगी। तो इसके बाद आपको प्रोफाइल पासवर्ड बना लेना है, जो कि हमारे नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का पासवर्ड होता है। प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो आपको एम पिन डाल के योनो ऐप में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की साइड 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिसेट इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना है, तो डायरेक्ट आपके सामने पासवर्ड सेट करने का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि हमने पहले से कोई पासवर्ड नहीं बनाया, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड बनाने का इंटरफेस आ चुका है। तो आपको जो भी प्रोफाइल पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कम फॉर्म में भी एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाए तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए पासवर्ड कैसे चेंज करना है, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा।